अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, वेलकम इन बीनिश का टिफ़िन। आज मैं आपको लेके चलती हूँ एक मार्ट में जो कि हलाल आइटम है। यहाँ पर टर्किश और अरेबिक जो आइटम है वो रखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम इस मार्ट में एक तंदूर देखा जहाँ पर ये नान बन रही थी और लेडीज़ बेक कर रही थी। बहुत ज़बरदस्त थी ये नान, हम लोगों ने भी ट्राई की, बहुत ही अच्छी। मैंने इस तरह से कभी नहीं देखा था कि एक मार्ट में तंदूर भी लगा है और लेडीज़ इस तरह से नान बना रही हैं, और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की नान थी ये। काफ़ी डिफरेंट चीज़ लगी, मैं काफ़ी इंजॉय किया इस तरह से मैंने, क्योंकि पहले कभी नहीं देखा। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा देख के इस तरह से मार्ट में। किसी भी मार्ट में वीडियो अलाउ नहीं होती, लेकिन परमिशन लेके मैंने छोटी सी वीडियो बना ली है ताकि आपके साथ शेयर कर सकूँ किस तरह का हलाल फूड का मार्ट था। तो यहाँ पर ये सारे ब्रेड के आइटम थे और मीट भी सारा हलाल था कि आप इजीली ले सकते हैं, चीज़ वगैरह सब हलाल थी, तो इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई। हमने काफ़ी सर्च करने के बाद हमें ये मार्ट मिला। यहाँ पर सारे डेयरी आइटम वगैरह रखे हुए थे। मार्ट से हमने थोड़ी सी शॉपिंग की क्योंकि हम लोग घूमने तो आए नहीं हैं कि रोज़ रोज़ बाहर का खाना खाएं। थे परमानेंट रहने आए तो घर पर खाना बनाएं, क्योंकि बाहर तो सिर्फ बर्गर और इस तरह के, और उसमें भी आपको हलाल फूड सर्च करके लेना है। तो हमने यहाँ पर से रोटी ले ली थी, ये खुबस रोटी है अरेबिक, तो हमें ईज़िली काफ़ी चीज़ें इधर से मिल गई थी, हलाल थी जो कि सब। तो ये बेल पेपर्स ले ली थी क्योंकि आप हर वक्त, तो बाहर का खाना एक्सपेंसिव भी बहुत हो जाता है, फिर उसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ से लें। और काफ़ी, और यहाँ से एक मार्ट से ये ब्रेड भी मिली थी जो कि सॉसेजेस ब्रेड थी, काफ़ी अच्छी थी, तो हम लोगों ने ये भी ले ली कि टी टाइम में हम इसको इंजॉय करेंगे। तो ये थोड़ा सा सामान था। और ये एक और स्टाइल की रोटी ली थी जो कि आई थिंक राइस की रोटी थी और काफ़ी बड़े साइज़ की थी और ये भी काफ़ी अच्छी थी। तो हम लोगों ने दो स्टाइल की रोटी ले ली थी। कीमा परचेज़ कर कर लाए थे, वो मैंने झटपट से कीमा आलू रेडी कर लिया था क्योंकि हम बाज़ार के बर्गर और इस तरह का फास्ट फूड खा के थक गए थे। अब दिल चाह रहा था बस घर का देसी खाना हो, जो हमारा देसी स्टाइल का खाने होते हैं। इतने दिन बाद घर का बना हुआ देसी खाना खाया तो जान में जान आई और बहुत इंजॉय भी किया। खाने से फ्री होकर हम थोड़ी सी आउटिंग के लिए बाहर निकल आए थे और बस का वेट कर रहे थे कि प्लेसेस जो करीब के हैं वो एक्सप्लोर किए जाएं। यहाँ पर हम बस में बैठ गए थे और बस का हम लोगों ने कार्ड बनवा लिया था जो कि बहुत इजी हो गया था हमें ट्रैवल करना। सब कुछ काफ़ी अच्छा लग रहा था, बस भी काफ़ी नीट एंड क्लीन थी। और बाहर तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अपने जो कंट्री को है काफ़ी नीट एंड क्लीन रखते हैं। हर कोई अपने काम से काम में बिज़ी था, कोई किसी को कोई परेशानी नहीं थी। सब जो भी स्टॉप आता सब आराम से चढ़ते, कोई पैनिक नहीं था, बस अपने ही आराम से चढ़ते और सीट पर बैठ जाते लोग। और यहाँ पर बस में से बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ भी नज़र आ रहे थे, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स वगैरह थी। तो हम ये जो बस में बैठने का जो सफ़र है वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे क्योंकि बाहर का व्यू भी बहुत खूबसूरत था।
सॉसेजेस ब्रेड लाए थे, इस तरह से मैंने उसको गरम कर लिया था और टी टाइम में हम लोगों ने इसको इंजॉय किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और न्यू ज़बरदस्त वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।